बिना कार्य करवाए प्रधान व सचिव द्वारा पैसा निकाल कर गबन करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। वीडियो को प्रार्थना पत्र देकर किया कार्यवाही की मांग। कुशीनगर उत्तर प्रदेश विशुनपुरा विकास खंड के मठिया प्रसिद्ध तिवारी के प्रधान द्वारा बिना कार्य करवाए पैसा निकाल लेने के मामले में ग्रामीणों ने वीडियो को तीन बिंदुओं पर शिकायत कर कार्यवाही की मांग किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मनरेगा से जूनियर हाई स्कूल के फील्ड की मिट्टी भराई में 1,76,000 रुपए बिना काम किए निकाल लिया गया है। कब्रिस्तान से मेन सड़क तक मिट्टी भराई नाबालिगों से करवाया गया था, जिसका पेपर कटिंग भी है। उस समय वीडियो ने उस काम को श्रम दान घोषित किया था, लेकिन उसके बाद भी उसका पेमेंट हो गया है। आशिक के खेत से कृपापटी तक सड़क का पटरी बिना भरे ही पैसा का पेमेंट करा लिया गया है। इस बाबत जब ग्राम प्रधान से बातचीत किया गया तो प्रधान लियाकत अली ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है और गवई राजनीति को लेकर मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। इस दौरान प्रधान लियाकत ने कोरोना को लेकर ग्रामीणों से लॉकडाउन का पालन करने का अपील भी किया। KK न्यूज 24 कुशीनगर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब आइए जानते हैं ग्रामीणों की जुबानी। आप लोगों ने शिकायती पत्र दे करके प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है, तो क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। जी, मामला इस तरीके का है कि हमारे यहाँ मनरेगा के तहत कुछ धांधली हुई है, तकरीबन 1.25 लाख रुपए के करीब बिना काम कराए हुए और वो पैसा निकाल लिया गया है। अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये हमारे यहाँ का जूनियर विद्यालय है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी की भराई की का पैसा निकाला गया है और यहाँ एक भी टाली का मिट्टी अभी तक नहीं गिरा है। हम लोग सारे अधिकारियों को, चाहे वो SDO हों या और तमाम अधिकारी हों, BDO हों, उन सभी अधिकारियों के पास हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लॉकडाउन के चलते हम लोग अभी तक कभी कोई काम कर भी नहीं पा रहे हैं। और अभी आप पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो इसका संज्ञान लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो लॉकडाउन के बाद हम धरने पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश त्रिपाठी और सीटू तिवारी है, ग्राम मठिया प्रसिद्ध तिवारी का मैं निवासी हूँ। आप लोगों ने प्रधान के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है, तो क्या मामला है और किस प्रकार से पैसा का गोलमाल किया गया है? हम लोग यहाँ जूनियर हाई स्कूल पे जहाँ हम लोग अभी हैं, इसकी मिट्टी की भराई का दिखा के फर्जी मास्टर रोल भर के 971 मजदूरों के मजदूरी दिखा के जॉब कार्ड में पैसा भेज दिया गया है और पूरा पैसा प्रधान द्वारा गबन कर लिया गया है और यहाँ पर मिट्टी एक भी टाली नहीं गिरा है। इसी का हम लोग आवेदन BDO के वहाँ और आगे जिला पे भी दिए हैं और आज 5-6 दिन हो गया, अभी तक तो कोई यहाँ नहीं आया देखने के लिए, ना ही जांच करने के लिए। अगर जांच नहीं होता तो क्या करेंगे? जांच नहीं होगा तो हम लोग पुख्ता, हम लोग के पास सबूत है इसका, हम लोग 15-16 लोग, 20 लोग, जो भी लोग हैं यहाँ से हम लोग जाएंगे जिला पे, वहाँ एक बार धरना प्रदर्शन देंगे, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे गोरखपुर और वहाँ इसकी शिकायत हम लोग करेंगे। और एक आध काम और बताया गया है जिसमें नाबालिगों से कार्य करा करके पैसा लिया गया, इस पर क्या मामला? जी, इसके पहले मनरेगा से एक दिन या दो दिन नाबालिगों से काम कराया जाता था थोड़ा बहुत, और पूरा पैसा पेमेंट करा लिया जाता था और इसकी भी हम शिकायत किए थे। BDO साहब खुद उसका संज्ञान लिए थे, पेपर में भी निकला था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उसका पेमेंट भी हो चुका है, जबकि BDO साहब उसको श्रमदान भी घोषित कर चुके थे और उसके बाद वही ब्लॉक से उसका पेमेंट भी हो चुका है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तिवारी। घर कहाँ? यहीं पे है, स्कूल के बगल में, मठिया प्रसिद्ध तिवारी। हाँ, क्या मामला है? आप लोग एप्लीकेशन दिए हैं प्रधान के खिलाफ, तो उसमें क्या मामला है, जानकारी दीजिए। हमारे ग्राम प्रधान मठिया प्रसिद्ध तिवारी में मनरेगा के थ्रू काफ़ी पैसा निकासी हुआ है, जो कि कार्य भी नहीं हुआ है और इसका पैसा रिलीज करा लिया गया है। इसकी जानकारी आपको कैसे हुई? हम लोग ब्लॉक पे गए थे और इसका पेपर भी निकलवाए थे और ऑनलाइन भी पेपर इसका निकाले थे, तो देखे काफ़ी पैसा रिलीज हो चुका और कार्य भी नहीं हुआ है। कौन कौन सा काम पर पैसा निकला है जो कार्य नहीं हुआ? ग्राम में कई ऐसी सड़कें हैं जिसका भराई नहीं हुआ है और उसका पैसा रिलीज करा दिया गया है। तो इस पर BDO से बात की आप लोग, तो क्या कहा BDO ने? BDO बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि इसका जांच कराया जाएगा, लेकिन अभी कोई ऐसा न्यूज आया नहीं है, ना ही इस पर कोई जांच किया जा रहा है।
क्या आपको लग रहा है कि अधिकारी प्रधान को बचा रहे हैं? हाँ ऐसा ही है बिल्कुल एकदम, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा जांच हो ही नहीं रहा है। पिछली बार भी दिया गया तो उसको ही छुपाया गया था, श्रम घोषित किया गया था उस चीज़ को। कौन है प्रधान यहाँ का? लियाकत अली। अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल तिवारी। घर कहाँ? मठिया प्रसिद्ध तिवारी। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जूनियर हाई स्कूल में मिट्टी का कार्य कराए हैं, लेकिन बिना कार्य कराए ही 176,000 रुपये निकालने, इस पर आपका क्या कहना है? मनरेगा अंतर्गत हमारे ग्राम सभा में काम हुआ है, मिट्टी का भराई का काम हुआ है, और काम हुआ है तभी भुगतान हुआ है। चूँकि ये अब चूँकि पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं वो तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। काम हुआ है तभी भुगतान हुआ है, इन लोगों का आरोप एकदम निराधार है। एक आरोप और लगा है कि कुछ दिन पहले एक मेन सड़क तक की मिट्टी की भराई कार्य हुआ था, जिसमें नाबालिगों द्वारा कार्य कराया गया था और उसको श्रमदान वीडियो द्वारा घोषित किया गया था, इस पर क्या कहना है? नहीं ऐसा नहीं है, श्रमदान घोषित नहीं किया गया था। हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक नरेगा द्वारा वो एक चक्रोट का काम कराया गया था, तो खेत में 2-3 बच्चे खेल रहे थे, तो प्रतिद्वंदी लोग जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो लोग फोटो ले करके और वायरल किए, तो वीडियो साहब ने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ होगा तो श्रमदान घोषित होगा, लेकिन जांच हुआ तो पता चला कि नहीं ये सही है। उस समय मास्टर रोल जीरो कर दिया गया, लेकिन जब पता चला कि सही है तो फिर उस पर फिर काम हुआ, उसके बाद तब भुगतान हुआ उसका। यानी कि जो लोग लगा रहे हैं आरोप, आपके समझ से आपके ऊपर आरोप सत्य नहीं है पाया जा रहा है? नहीं नहीं, मान लीजिए कि पंचायत का चुनाव चूँकि नज़दीक आ रहा है तो प्रतिद्वंदी लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इससे आरोप लगाने से, जबकि हर एक चीज़ों का जांच होता है और उसके लिए अधिकारी भी लगाए गए हैं, जांच होने के बाद तभी भुगतान होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लियाकत अली, मैं ग्राम पंचायत मठिया प्रसिद्ध तिवारी का ग्राम प्रधान हूँ। आज पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, इस पर आपका अपने ग्रामीणों के प्रति क्या अपील है और देशवासियों के प्रति क्या अपील? देखिए, जो कोरोना संबंधित ये महामारी से निपटने के लिए हमने अपने ग्राम पंचायत में गरीब लोगों को मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटा, फिर छिड़काव कराया, जो भी माने हमारे तरफ से हो रहा है वो किया जा रहा है। फिर बाहर से लोगों को आने के लिए हमने जो है गांव के बगल में स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में उनकी व्यवस्था कराई है, लोग आ रहे हैं वहाँ रुकते हैं और वहाँ भोजन बना करके खिलाया जाता है, जो भी संभव मदद होती है वो हमारी तरफ से होता है। अब तक कितने लोग आ चुके हैं आपके गाँव में बाहर से? अभी इस बीच 2 लोग आए थे, वो 14 दिन जो है वहाँ रहने के बाद फिर वो लोग घर चले गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रधान द्वारा पोखरे के सुंदरीकरण कराने के दौरान खुलकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कुशीनगर उत्तर प्रदेश विकासखंड पडरौना के ग्राम सभा जंगल कुरमौल के ग्राम प्रधान द्वारा पोखरे के सुंदरीकरण कराने का कार्य मनरेगा द्वारा कराया जा रहा था। इस दौरान सरकार के आदेशों को खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। मौके पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, न ही सैनिटाइजर और पानी रखा गया था और न ही कोई मास्क लगाए हुए था। नाबालिग बच्चे भी उस कार्य के। न्यूज 24 कुशीनगर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।